असम के दौरे के दूसरे दिन काजीरंगा नेशनल पार्क में पीएम मोदी सुबह सुबह टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी के लिए निकले। पीएम मोदी शुक्रवार की शाम पहुंचे काजीरंगा नेशनल पार्क। सड़क के दोनों किनारों पर खड़े लोगों ने किया प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत। पीएम मोदी आज एक दिन में करेंगे चार राज्यों का दौरा। ईटानगर में आज सुबह 10:30 बजे विकसित भारत विकसित नॉर्थ ईस्ट कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। पीएम मोदी ईटानगर में सेला टनल राष्ट्र को करेंगे समर्पित। करीब 10,000 करोड़ की उन्नति योजना की करेंगे शुरुआत। प्रधानमंत्री मणिपुर मेघालय नागालैंड सिक्किम त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश को भी देंगे स्वागत। 55,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी दोपहर 12:15 बजे पहुंचेंगे जोरहाट। अहोम जनरल लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का करेंगे अनावरण। पीएम मोदी एक कार्यक्रम के दौरान 5.5 लाख लोगों को सौंपेंगे घर। 17,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी असम के बाद 4:15 बजे पहुंचेंगे पश्चिम बंगाल। सिलीगुड़ी में एक कार्यक्रम के दौरान 4.5 करोड़ की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी सिलीगुड़ी के बाद शाम को 7 बजे वाराणसी पहुंचेंगे। काशी विश्वनाथ के मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। पीएम मोदी आज रात वाराणसी में बीजेपी संगठन की करेंगे बैठक। प्रदेश जिला और महानगर के साथ पन्ना प्रमुखों से भी लेंगे फीडबैक। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी। 39 उम्मीदवारों का ऐलान। राहुल गांधी वायनाड से लड़ेंगे चुनाव। छत्तीसगढ़ से 6 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान। राजनांदगांव से भूपेश बघेल, कोरबा से ज्योत्सना महंत और दुर्ग से राजेंद्र साहू कुटकर। तिरुवनंतपुरम में शशि थरूर मैदान में उतारे गए केरल के एलपी से केसी वेणुगोपाल उम्मीदवार। कर्नाटक के हासन से श्रेयस पटेल और बेंगलुरु ग्रामीण से डीके सुरेश लड़ेंगे चुनाव। टिकट मिलने के बाद बोले शशि थरूर, मैंने हमेशा सकारात्मक राजनीति की, अब जनता तय करेगी। राजनांदगांव से टिकट मिलने पर भूपेश बघेल ने जताई खुशी। कहा कि उम्मीदवारों की अच्छी लिस्ट आई है, हम पर जो भरोसा जताया गया उस पर हम खड़े उतरे। राहुल गांधी के वायनाड से लड़ने पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कसा तंज। कहा राहुल किसी और सीट से नहीं लड़ सकते, वो केवल वायनाड जा सकते हैं। महाराष्ट्र में महायुति की सीट बंटवारे पर मंथन जारी। अमित शाह देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ बैठक। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 32 सीट पर लड़ सकती है चुनाव। अजीत पवार को 3 से 4 सीट मिलने की संभावना। उद्धव ठाकरे का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को ऑफर, बीजेपी छोड़ एमवीए से चुनाव लड़े। उद्धव ठाकरे ने गृह मंत्री अमित शाह को दिया जवाब। कहा मेरे बेटे को लोग अगर चुनेंगे तो उसे सीएम बनाऊंगा, सीएम का पद बीसीसीआई अध्यक्ष का पद नहीं। गडकरी के उद्धव के ऑफर पर बीजेपी में मची हलचल। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले महाराष्ट्र बीजेपी की लिस्ट में गडकरी का नाम सबसे पहले होगा। गडकरी को ऑफर देने पर बोले बीजेपी विधायक प्रवीण दरेकर, फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी बोल रहे हैं उद्धव, उनकी पार्टी बची है। जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस टूटा। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने अकेले चुनाव लड़ने का किया ऐलान। कहा कि एनसी के फैसले से हुई है निराशा। उधमपुर से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह बोले बीजेपी एक सिस्टम के तहत काम करती है, नरेंद्र मोदी तीसरी बार बनेंगे पीएम। बिहार में एमएलसी चुनाव के लिए महागठबंधन की लिस्ट जारी। राबड़ी समेत आरजेडी के 4 और सीपीआई के एक उम्मीदवार चुनाव लड़े। चुनाव लड़ने के सवाल पर बोले केंद्रीय मंत्री आर के सिंह, लोकसभा चुनाव बिहार के आरा से ही लड़ूंगा। बीजेपी सांसद राहुल कस्वा ने दिखाए बगावती तावर। अपने संसदीय क्षेत्र चुरू में विशाल जनसभा को संबोधित किया। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुए ब्लास्ट मामले में सामने आया नया वीडियो। घटना की जांच कर रही एनआईए ने संदिग्ध से जुड़ा एक वीडियो के आवाज जारी। एनआईए ने वीडियो जारी करके लोगों से संदिग्ध शख्स की पहचान करने के लिए मदद मांगी। कैफे में 1 मार्च को हुए धमाके में कई लोग घायल हुए। 7 दिनों बाद महाशिवरात्रि के दिन रामेश्वरम कैफे को दोबारा खोला गया। विशेष पूजा के आयोजन के बाद रेस्टोरेंट को लोगों के लिए फिर से खोला गया। गुरुग्राम में बिग बॉस ओटीटी विनर एल्विश यादव पर मारपीट का आरोप लगा। सेक्टर 53 के पुलिस स्टेशन में केस। एल्विश के खिलाफ मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज। सागर ठाकुर नाम के यूट्यूब इन्फ्लुएंसर से है मारपीट का। दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में सड़क किनारे नमाज पढ़ रहे नमाजियों के साथ विवाद के मामले में एक्शन। आरोपी सब इंस्पेक्टर को निलंबित किया। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में भारी उछाल। 6 अरब 55 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज। धर्मशाला में भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच का आज 3रा दिन। टीम इंडिया के पास 255 रन की लीड। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 8 विकेट खोकर बनाए 773 रन। कुलदीप यादव 27, जसप्रीत बुमराह 19 रन बनाकर क्रीज पर। आज बड़ी लीड हासिल करने की कोशिश।